事情。妈，你把保守刀射进了。जब सभी लोग यानी आकाशवाणी भी कपोली बाबा की जयकार करने लगी तो तब सती ने उस आकाशवाणी को सुन लिया। अब मानो बाबू, जब सती ने उस आकाशवाणी को सुन लिया तो उस मनी मन में सोचने लगी कि धनी मेरे स्वामी उसे कौन सी प्रतिक्रिया लेगी, जिसके कारण आकाशवाणी भी उसकी उनकी जयकार कर रही। तो उन्होंने पूछा भी शिवजी से, कई बार पूछा कि स्वामी आपने से कौन सी प्रतिक्रिया ले ली, इसके कारण आकाशवाणी भी आपकी जयकार कर रही है। पर भैया शिवजी ने कोई उत्तर नहीं दिया, वो चुप ही रहे। लेकिन के बारे में जब उनसे सती को ये पता चल गया कि भोले बाबा ने मेरा त्याग कर दिया है तो सती को बड़ा दुख, तो सती को दुखी देखकर भगवान भोलेनाथ ने सती को, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, कि मैंने सीता का भेष धारण करके राम जी की परीक्षा ली तो स्वामी ने निश्चय ही मेरा परित्याग। और नान बाबू सज्जनों सब क्यों ली, मैं सोची रही थी, तभी सोचने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु अब तो जल्द से जल्द आप मेरा ये शरीर छूट जाए, जिससे मुझे इस विपत्ति से जल्द छुटकारा हो सके। दक्ष सुता सती इतनी दुखी है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। महादेव की समाधि खुली और जब शिव जी की समाधि खुली तो समाधि के खुलते ही वो तो केवल शिव जी तो बस राम नाम का ही जाप करना प्रारंभ कर देते। तो जब शिव जी राम नाम का जाप करना प्रारंभ कर देते तो सती समझ गई कि जगत के स्वामी जाग गए हैं। तो सती ने बाहर जाकर उनको प्रणाम किया और जब वो सती ने उन्हें पास जाकर प्रणाम किया तो फिर भगवान ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए कहा, अपने पास में बैठने के लिए नहीं कहा। वे सज्जनों कोई भी धार्मिक कर्मचारी या कुछ भी हो तब अपनी पत्नी को सभी अपने बाएं को अपनी बाएं ओर ही बिठाना चाहिए बाएं। पर शिव जी तो सती का त्याग कर चुके हैं ना, इसलिए वो सती को अपने समक्ष बिठा के अपने सामने बिठा। अब शिव जी सती को थोड़ा दुखी देखते हैं तो वो और भगवान शिव जी की कथा सुनाने लगती है। इधर दूसरी तरफ सती के पिता दक्ष, सती के पिता दक्ष को ब्रह्मा जी ने क्या किया, प्रजापतियों का नायक बना दिया यानी राजा बना दिया, जिसका दक्ष को बड़ा अभिमान हो गया। तो बस इसी अभिमान के कारण दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन रखा जिसको उसने सबको बुलाया, बस शिवजी और सती को निमंत्रण नहीं दिया। तो सारे देवी देवता अपने अपने विमान से जाकर दक्ष प्रजापति के महल की ओर जा रहे हैं। तो जब वो सारे के सारे देवी देवता दक्ष प्रजापति के महल की ओर जा रहे हैं तो इधर दूसरी तरफ सती ने भी आकाश में देखा, क्या देखा कि सती जय जय सुनि जय जय सुनि।
गंभीर होकर ब्रह्माना सती ने देखा कि आकाश मार्ग से कई सुंदर सुंदर विमान चले जा रहे हैं। कहा जा रहे पूछे सब कयो बहानी, तो शिव जी ने बताया कि पिता यज्ञ सुनी कछु, यानी कि सती तुम्हारे पिता ने एक यज्ञ का आयोजन रखा है, ये सब कही जा रहे। सती ने सुना पिता ने यज्ञ का आयोजन रखा है, तो ये सुन के सती बड़ी खुश हुई और बोली कि स्वामी अगर आपके आगे हो तो क्या मैं अपने कुछ दिन अपने पिता के घर जाकर रहूं। तो शिव जी ने कहा कि सती तुम बात तो बहुत अच्छी कर रही हो, लेकिन मित्र स्वामी पिता गुरु के घर तो बिना बुलाए भी जा सकती, पर जहाँ कोई अपना विरोध मानता हो मेरी समझ में ऐसी जगह कभी नहीं जाना चाहिए, ऐसी जगह पर कभी नहीं जाना चाहिए। मानो बाबो सज्जनों ध्यान से सुनिए, अब सती को उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन भोले बाबा के लाख समझाने के बाद भी जब सती को उनकी बात समझ में ना आई तो शिव जी ने, जो कि सज्जन आप जानती हो सती चतुर बाप की चतुर पीठी, वो किसकी सुनेगी, वो शिव जी की नहीं सुन रही। तो फिर भोले बाबा ने क्या किया, भोले बाबा ने अपने कुछ मुख्य गणों के साथ करके उनको विवाह कर दिया, और ऐसे में सिर्फ विदा नहीं किया, सती के सारे के सारे कपिल लगते उसी के साथ भेज दी। क्यों भेज दी, क्योंकि वो पहले से ही जानते थे कि अब भैया सती को वापस तो आना नहीं है, तो इनके कपिल लगतों का मैं क्या करूंगा। बस ऐसे ही सोच कर भोले बाबा सारे कपिल लगते उसके सती के साथ ही, और ये अब चलकर देखते हैं कि सती जब पिता के घर पहुंचती है तो उस समय कैसा कैसा माहौल बनता है, कैसी स्थिति बनती है। घर पहुंची पिता भवन जब गई भवानी, तो दक्ष दास काहू न समान, दक्ष के डर के मारे किसी ने भी उनका स्वागत नहीं की, केवल माता ही उनकी प्रेम से पूर्वक उनकी, और उनकी बहनें तो उनसे बड़ी मुस्कुराती हुई मिली, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, क्या कहती हुई मिली, और कि देखो सखियों देखो बिना बुलाए वाले पावना है पावना, बिना बुलाए वाले मेहमान आ गए मेहमान। सज्जनों देखो राजस्थान में अपनी राजस्थान में मेहमान को पावना कहा जाता है, और अपने एमपी में इसे मेहमान कहा जाता है ना। अब वो सखियां तो बोली कि देखो सखियों बिना बुलाए वाले पावना आ गए पावना मेहमान आ गए, आइए बिना बुलाए वाले मेहमान जी आइए आपका स्वागत, उनका वो बड़ा मजाक उड़ाने लगे। सती ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और सती ने तो जाकर तुरंत सती ने जाकर यज्ञशाला में जब देखा तो उसे कई भी शिव जी का भाव दिखाई नहीं दिया, ये देखकर सती बड़ी ही दुखी हुई, ये देखकर सती को बड़ा दुख हुआ, जितना दुख पति के त्यागने पर नहीं हुआ था उतना दुख पति के अपमान के कारण हुआ। सती का हृदय बहुत जोर से जल उठा, सती की माता ने भी सती को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन सती नहीं मानी, भरे सभा में क्रोध भरे वचन बोली, रे सभा सुनो ध्यान से सुनो, जिन्होंने मेरे पति शिव जी की निंदा की है और जिस निंदा में मेरे पिता भी शामिल है, किंतु ये मेरा ये शरीर दक्ष के वीर से यानी दक्ष के वीर से उत्पन्न हुआ, और आज मैं अपने शरीर को त्यागने जा रही हूँ, और ऐसा अपने शरीर को अग्नि के माध्यम से भस्म किया, और जैसे ही सती ने अपने शरीर को भस्म किया ना, चारों हाहाकार, सती के मरण सुनकर के बड़ों ने यज्ञ को फिर बदलने जाकर रघु ऋषि आदि सभी ऋषियों को और दक्ष की तो वही गति हुई जो कि आजकल की सत्रोइयों की हुआ करती, भय जगत विधि दक्ष गति तो ही जगत गति।
आप सभी लोग ध्यान से बजाकर सुनिए, और समय काफी हो चुका है इसलिए अपने बजाकर पूरा सा संकेत भी कह रहा हूँ, सभी इसका ध्यान से सुनिए।